गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सब टॉपिक से जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। गाइस हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसके बाद पाइरूवेट के पास जाने के लिए तीन रास्ते होते हैं जो हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों तरह की फर्मेंटेशन के बारे में तो हमने जान लिया, इस टॉपिक में हम जानेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। क्लास हमने जाना था कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है और टीसीए साइकिल की लोकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लाइकोलिसिस के अंत में पाइरूवेट बनता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम होता है लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन एक तरह से ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल इन दोनों इवेंट्स को ब्रिज करने का काम करती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ क्रूशल स्टेप्स हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट बाय रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स एंड रिलीजिंग ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरूवेट पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें से सारे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का क्रॉस सेक्शन है, तो लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल दोनों ही मैट्रिक्स में होते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है इनर मेम्ब्रेन में। अगला क्रूशल स्टेप है पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स टीसीए साइकिल में रिमूव हुए थे वो एक चेन ऑफ इवेंट से होते हुए ऑक्सीजन के पास जाते हैं और इसी प्रोसेस के बाद हमारे ATP सिंथेसाइज होते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। लास्ट अब हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म समझेंगे। इस रिएक्शन में पाइरूवेट कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइल COA बनाता है और यहाँ NAD+ रिड्यूस होकर NADH फॉर्म करता है। याद रखने वाली बात यह है क्लास कि पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो अपना एक कार्बन यहाँ पे लूज कर देता है CO2 की फॉर्म में और एसिटाइल COA बनता है जो कि 2 कार्बन का होता है। इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का भी निकलता है। ये रिएक्शन मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होती है और इसको कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम होता है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज। तो जैसा कि हमने देखा जो मेन एंजाइम यानी कि पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज है उसको छोड़ के दूसरे कोएंजाइम जैसे NAD+ और कोएंजाइम ए भी यूज होते हैं इस रिएक्शन में। और क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के एंड में पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स निकलते थे इसलिए उन दोनों मॉलिक्यूल्स की लिंक रिएक्शन होती है जिस वजह से NADH के भी 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और अब हमारा जो प्रोडक्ट है एसिटाइल COA जो कि 2 कार्बन का है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल में एंटर करता है जिसे कि हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं।